देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर आज बाल योगी सदानंद महाराज के आशीर्वाद से भिवंडी तालुका स्थित गणेशपुरी में निःशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन बाल योगी श्री सदानंद महाराज सिद्ध वनस्पति उपचार केंद्र संस्था द्वारा श्री परशुराम एवं सांबलनाथ सेवा समिति बोरीवली के सहयोग से किया गया। वहीं शिविर का उद्घाटन बाल योगी सदानंद महाराज के हाथों से किया गया। इस शिविर में कई बीमारियों की जांच रखी गई, जिस पर भारी तादाद में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। वहीं शिविर में उपस्थित प्रत्येक अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। वहीं शिविर के विषय में डॉक्टरों ने जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनकर नायक। पिछले कुछ सालों से मैं परम पूज्य बाल योगी सदानंद महाराज द्वारा संस्थापित इस नित्यानंद सेवा आश्रम से जुड़ा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा है कि जो सेवा भाव से अनेक जो मरीजों का इलाज किया जाता है, उनका जो सेवा भाव से इलाज अनेक जो सिद्ध वनस्पति है उनके द्वारा किया जाता है। आजकल हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे ज्यादा दीर्घकालीन बीमारियां जिसे कहते हैं, फिर जोड़ों का दर्द रहा, सांस से जुड़ी हुई तकलीफें रही, ऐसी कुछ बीमारियां जिनमें एलोपैथिक दवाइयां कुछ हद तक काम करती है, लेकिन आयुर्वेदिक जो सिद्ध वनस्पतियों से उसका चमत्कारिक जो है वो रिजल्ट जो उसका देखा है। हम जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि कोरोना का भी आपने इलाज किया था क्या, तो मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, हमको खुद को जब कोरोना हुआ था तभी सदानंद बाबा द्वारा जो निर्मित गुर्जो कारा है और उनकी जो कोरोना द्वारा किट जो उपलब्ध कराई गई थी उसी से हम इलाज लेके हम ठीक हुए हैं। तो इसलिए बाबा जी की जो औषधियाँ है वो बेहद ही असरदार है। और मैं सभी से अपील करूंगा आपके चैनल के द्वारा कि आप सभी जो है इस सिद्ध वनस्पति जो उपचार द्वारा जो केंद्र जो चलाया जाता है यहाँ पर निःशुल्क बहुत सारी औषधियाँ दवाएं दी जाती है। कैंप के बारे में आपने पूछा, यहाँ पर 12 महीना जो है कैंप लगा रहता है। यहाँ पर सिर्फ दवाई का भी मिनिमम 40 वगैरह सब लिया जाता है। यहाँ पर आश्रम से बहुत सारे जुड़े हुए डॉक्टर हैं जो अलग अलग तरह के स्पेशलिटी है। मैं खुद इमरजेंसी मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा खुद हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर सेवा भाव से अनेक मरीजों का इलाज करते हुए देखा वो काबिल तारीफ है। तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर जो आश्रम द्वारा निर्माण की गई और उपलब्ध कराई गई जो दवाइयाँ है उसका अवश्य लाभ लें। धन्यवाद। यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे मैं जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तब से मैं ये आश्रम में आ रहा हूँ और तब से मैं शिविर भी होते थे तो वो शिविर को भी मैं स्कूल जीवन से ही मैं उनको हेल्प करते आ रहा हूँ। तो अभी जैसे ही अभी आप देख रहे हो अभी भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर ये किस चीज का टेस्टिंग हो रहा है? अभी ये कंप्यूटराइज हेल्थ चेकअप है, इसमें ब्लड चेकअप हो रहे हैं 150। नॉर्मली हम लोग अगर समझो ब्लड चेकअप करते हैं तो उसकी जो एक्यूरेसी उसकी जो ये रहती है वो असली खून निकाल के की जाती है, बराबर। तो उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 80% रहता है, ये 10% उससे कम है। तो इसमें जो पॉजिटिव आए जो चीजें वो हम लोग बाहर असली ब्लड देके ये कर सकते हैं। तो नॉर्मल कॉस्टिंग में जो बाहर जो ब्लड चेकअप रहते हैं वो 17,000 तक खर्चा आता है, तो यहाँ पे हम लोग अभी ये फ्री दे रहे हैं। तो इसमें से जो पॉजिटिव आया खाली उतना ही बाहर असली खून का जांच कर लेंगे। इस मौके पर राजेश भाई त्रिवेदी, गणेशपुरी के सरपंच संदीप रामचंद्र खिराड़े, बाल योगी सदानंद महाराज संस्था के अध्यक्ष गुरुनाथ हरि भोईर, गणेश आत्माराम गुलवी, हीरालाल पाल, महादेव नाइक, पुरुषोत्तम पाटिल, लक्ष्मीकांत पाटिल आदि लोग उपस्थित रहे। गणेशपुरी से गौरव राज पुरोहित की एक रिपोर्ट।